आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि YouTube चैनल पर मोबाइल से वीडियो अपलोड करने का सही प्रोसेस क्या है, वीडियो पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, थंबनेल कैसे बनाया जाता है और उसको वीडियो पर कैसे लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल से YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए आपको YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसमें आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा अपलोड ए वीडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिस वीडियो को आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं उसको आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपके सामने वीडियो आ जाएगा, इसको आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब आपको सबसे पहले अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करना होगा। बिना वेरीफाई किए आप अपने चैनल पर थंबनेल नहीं लगा सकते और ना ही 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अपने चैनल को वेरीफाई करने के लिए आप ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक आइकन शो हो रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने वेरीफाई यूअर अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसमें आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट कोड पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक कोड सेंड किया जाएगा, वो कोड आप यहाँ पर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद हम अपने YouTube एप्लीकेशन में बैक आएंगे। इसमें हमें पहले एक टाइटल डालना होगा, तो अपने वीडियो का जो भी आप टाइटल रखना चाहते हैं वो टाइटल आप यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइटल आप किसी भी लैंग्वेज में रख सकते हैं। आपके टाइटल में ऐसे वर्ड्स जरूर होने चाहिए जो YouTube पर सर्च किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने एक वीडियो बनाया है कि पासपोर्ट कैसे बनाए, तो आपके टाइटल में पासपोर्ट वर्ड जरूर होना चाहिए। या आपने कोई रेसिपी बनाई तो उस रेसिपी का जो नेम है वो नेम आपके टाइटल में जरूर होना चाहिए। अगर आपने किसी लोकेशन का वीडियो बनाया है तो उस लोकेशन का नेम टाइटल में जरूर होना चाहिए। तो अपने टाइटल में आपको ऐसे वर्ड्स ऐड करने हैं जो YouTube पर सर्च किए जाते हैं। जैसे कि मेरा ये वीडियो वाइल्ड लाइफ के बारे में है, तो यहाँ पर मैं उसी से रिलेटेड एक टाइटल डाल दूंगा। एक टाइटल मैंने ऐड कर दिया है। टाइटल ऐड करने के लिए आपको टोटल 100 कैरेक्टर्स मिलते हैं। 100 कैरेक्टर्स में आपको अपना टाइटल लिखना होता है। टाइटल में आप किसी को मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के लिए आप @ यहाँ पर टाइप करेंगे। जिस चैनल को आप मेंशन करना चाहते हैं उसका नेम आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसी तरह से इसमें आप हैशटैग भी लगा सकते हैं। आप यहां पर टाइप करेंगे हैशटैग और अपने वीडियो से रिलेटेड आप यहां पर हैशटैग डाल सकते हैं। टाइटल ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा, तो इसके लिए आप ऐड डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए आपको टोटल 5000 कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो 5000 कैरेक्टर्स में आप अपने वीडियो का कोई भी एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने वीडियो के बारे में टाइप करेंगे, आप हिंदी या इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपके वीडियो की रीच बढ़ती है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो YouTube सर्च में आते हैं। जैसे कि किसी पर्सन ने YouTube पर कोई ऐसा टॉपिक सर्च किया जिसका कोई कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो आपका वीडियो भी उसके सामने आ जाएगा। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन जरूर ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप अपने एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के लिंक डाल सकते हैं, या अपने दूसरे वीडियोस के लिंक्स भी आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। नीचे आपको टोटल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, कितने कैरेक्टर्स आपने यूज कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप बैक जाएंगे। इसके बाद है विजिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट चूज करेंगे तो कोई भी आपका वीडियो नहीं देख पाएगा, सिर्फ वही लोग वीडियो देख पाएंगे जिनको आप अलाउ करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है अनलिस्टेड। अगर आप अनलिस्टेड सिलेक्ट करेंगे तो जिसके साथ आप अपने इस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे सिर्फ वही आपके वीडियो को वॉच कर पाएगा। और थर्ड ऑप्शन है पब्लिक। अगर आप पब्लिक सिलेक्ट करेंगे तो आपके वीडियो को YouTube पर कोई भी वॉच कर पाएगा। पब्लिक में आपको एक ऑप्शन और मिलता है, सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर। अगर आप प्रीमियर चूज करेंगे तो आपका वीडियो एज ए लाइव यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। इसमें आपको शेड्यूल का भी एक ऑप्शन मिलता है, आप अपने वीडियो को शेड्यूल भी कर सकते हैं। जो भी डेट और टाइम आप चूज करेंगे उसी डेट और टाइम पर ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। तो क्योंकि आपको अपने वीडियो में टैग्स और थंबनेल भी ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप अनलिस्टेड सिलेक्ट करेंगे, आपको पब्लिक सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप पब्लिक सिलेक्ट करेंगे तो ये अभी पब्लिश हो जाएगा बिना थंबनेल और बिना टैग्स के, तो आप अनलिस्टेड सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बैक। अपने वीडियो पर थंबनेल आप यहां से भी लगा सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आप थंबनेल ऐड करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप YouTube स्टूडियो से भी लगा सकते हैं जहां से आप टैग्स लगाएंगे, तो हम इसको अभी नेक्स्ट करेंगे। अगर आपका वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है तो इसको आप यस करेंगे, आपके वीडियो पर बच्चों वाले कानून अप्लाई हो जाएंगे। और अगर बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है तो इसको आप नो करेंगे। अगर आप अपने वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन ऐड करना चाहते
चाहते हैं तो इसमें आप इसको यस कर देंगे। यानी अगर आपके वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट है जिसको 18 साल से कम के लोगों को नहीं देखना चाहिए तो इसको आप यस कर देंगे, वरना नो रखेंगे। इसके बाद अपलोड वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो अपलोड हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यूअर वीडियोस में आप देख सकते हैं वीडियो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप अपने चैनल पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो नहीं है, क्योंकि वीडियो हमने अपलोड किया है लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया है। अभी हमें अपने वीडियो में टैग्स और थंबनेल ऐड करना है, उसके बाद हम पब्लिक करेंगे तब यहाँ पर वीडियो शो होगा। अपने YouTube चैनल को मैनेज करने के लिए वीडियोस में थंबनेल और टैग्स ऐड करने के लिए आपको YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन से आप अपने YouTube चैनल को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप अपनी उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे जिससे आपने चैनल बनाया हुआ है। इसके बाद कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सभी वीडियोस आ जाएंगे जो आपने YouTube पर अपलोड किए हैं। अब जैसे कि हमें इसे एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसमें आप ऊपर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। अपने वीडियो में हमें एक थंबनेल ऐड करना है तो थंबनेल ऐड करने के लिए आप ऊपर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। ये तो आप अपने वीडियो के किसी पार्ट को ही एज ए थंबनेल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो अब ये थंबनेल बन जाएगा। और अगर आपको कस्टम थंबनेल ऐड करना है तो आप कस्टम थंबनेल पर क्लिक करेंगे। आपकी गैलरी में जहां पर भी थंबनेल रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हम एक थंबनेल बना लेते हैं। थंबनेल बनाने के लिए दो एप्लीकेशंस काफी फेमस है, एक है पिक्सआर्ट और दूसरा है कैनवा। चलिए मैं कैनवा को ओपन कर लेता हूं। कैनवा में आप ऊपर सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। इस तरह से आप सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल तो आपके सामने 6000 से भी ज्यादा टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इनमें से आप कोई भी एक टेम्पलेट चूज कर सकते हैं जिसमें आप अपनी थंबनेल बनाना चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट से बनानी है तो आप ऊपर ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहें तो इन टेम्पलेट्स में से भी कोई टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला थंबनेल बनाना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहां से आप इस थंबनेल को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये फोटो चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मुझे इस थंबनेल में अपनी तरफ से कोई पिक्चर ऐड करनी है तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपलोड्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। गैलरी में आपने जो भी फोटो रखा हुआ है अपनी थंबनेल पर लगाने के लिए उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपकी थंबनेल में इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं और इसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फोटो को आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप इस पर कोई इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको काफी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग टाइप की शेडोज मिल जाएगी, जो भी आपको अप्लाई करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो शेडो आपकी इमेज पर अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, कोई एनिमेशन डाल सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हमें ये टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। टेक्स्ट में भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो इस तरह से आप थंबनेल बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है, आप यहाँ टाइम देकर अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छी थंबनेल्स बना सकते हैं। थंबनेल क्रिएट करने के बाद आप ऊपर डाउनलोड आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इस पर आपको ना तो कोई वॉटरमार्क देखने को मिलेगा और ना ही इसके लिए आपको कोई पैसा देना होगा। इसके बाद हम YouTube स्टूडियो में जाएंगे। थंबनेल चेंज करने के लिए ऊपर पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, इसमें कस्टम थंबनेल पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपका थंबनेल रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आपके सामने थंबनेल आ जाएगा, इसको आप डन करेंगे। आपके वीडियो में थंबनेल ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको अपने वीडियो में टैग्स ऐड करने होंगे तो आप सबसे नीचे टैग्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको ऊपर ऐड टैग्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने वीडियो से रिलेटेड टैग्स डाल देने हैं, यानी जिस टॉपिक पर आपका वीडियो है, जो कंटेंट आपके वीडियो में है, उस वीडियो को यूट्यूब पर लोग कैसे सर्च करते हैं तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कोई भी एक टैग ऐड करके आप नीचे एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये टैग ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप सेकंड टैग डालेंगे। टैग्स के लिए आपको टोटल 500 कैरेक्टर्स मिलते हैं। 500 कैरेक्टर्स में आप जितने चाहे टैग्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी, आप अपने इस वीडियो को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, अपने वीडियो को किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद है कमेंट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो पर कोई कमेंट न कर पाए तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो पर लोग कमेंट तो करें लेकिन वो कमेंट पहले आपके सामने
सामने आए, आप उसको अप्रूव करें, तभी वो वीडियो पर शो हो, तो आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कमेंट आपके वीडियो पर ना आए जिसमें लिंक हो या कोई बैड वर्ड यूज किया गया हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का कमेंट आपके वीडियो पर शो हो जाए, तो आप सबको अलाउ कर देंगे, अलाउ ऑल कमेंट्स, इसके बाद बैक जाएंगे। ये सेटिंग्स हो चुकी है, इसके बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे। सभी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, अब एक लास्ट स्टेप बचा है प्लेलिस्ट में ऐड करने का। तो पहले हमें प्लेलिस्ट बनानी होगी। प्लेलिस्ट बनाने के लिए आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाएंगे। यूट्यूब एप्लीकेशन में नीचे आप लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे, इसमें आप न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। अपने चैनल पर वीडियोस को आप अलग अलग प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट को एक नेम देंगे। नीचे प्राइवेसी में आप इसको चूज कर लेंगे पब्लिक, इसके बाद क्रिएट, तो आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप अपने वीडियो को प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ऊपर आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे इसको एडिट करने के लिए। नीचे आएंगे ऐड टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, और जितनी भी आपने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो सब आपके सामने आ जाएगी। जिसमें आप इसको ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद डन। इसके बाद जो विजिबिलिटी है इसको हम पब्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा पब्लिक। इसके बाद बैक आएंगे, अब यहाँ पर वीडियो को सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद यूट्यूब पर कोई भी आपके वीडियो को वॉच कर सकता है। यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन में आकर आप अपने वीडियो की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उस पर कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। नीचे एनालिटिक्स पर क्लिक करके आप अपने वीडियो का एनालिटिक्स और भी डिटेल्स में देख सकते हैं कि कितने व्यूज आए हैं, कितने घंटे का वॉच टाइम हुआ है। कमेंट्स पर क्लिक करके आप अपने वीडियो के कमेंट्स देख सकते हैं और यहीं से आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो अर्न पर क्लिक करके आप यहीं पर अपनी कमाई भी देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाएंगे, अपने चैनल पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो पब्लिश हो चुका है। अब इस वीडियो को यूट्यूब पर कोई भी वॉच कर सकता है। सो ये एक कम्प्लीट प्रोसेस है अपने यूट्यूब चैनल पर मोबाइल से वीडियो अपलोड करने का। इस वीडियो में हमने टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सभी चीजों को इंक्लूड किया है। जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में चीजें ऐड की है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।